नमस्कार मित्रों, मैं दीपक एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। और दोस्तों, प्लीज़ आप ये बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि इसी के द्वारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि अगर आप UPSI 2017 की किसी नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसका इंतज़ार करना बंद कर दीजिए। जैसा कि योगी सरकार ने हम लोगों से वादा किया था कि 3200 दरोगा और 30,000 कांस्टेबल के पद इस वर्ष भरे जाएंगे, तो वो न्यूज़ अब कुछ गलत होती मालूम पड़ रही है, क्योंकि जो परीक्षा UPSI की अभी कैंसिल हुई थी वो 3 महीने बाद यानी अक्टूबर महीने में होगी। इसी वजह से जो UPSI की नई वैकेंसी इस साल नहीं आएगी। यूपी कांस्टेबल के नोटिफिकेशन जल्द आने वाले हैं और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आकर उस प्रक्रिया पर कार्य शुरू किया जाएगा। लेकिन जो UPSI के लिए 3200 दरोगाओं के पद भरने की बात योगी सरकार ने कही थी, उस बात की अभी कोई भी जानकारी किसी भी वेबसाइट पर नहीं आई है। वो भर्ती लगभग नामुमकिन है। तो इस साल UPSI की कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। आपको UPSI नई वैकेंसी के लिए अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस साल आप कांस्टेबल के लिए ट्राई करिए, या आप अगर पेपर नहीं कैंसिल हुआ था तो उसकी तैयारी कीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए और इस साल सिलेक्शन ले लीजिए। धन्यवाद।